Starting the live video. अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले हफ्ते जो तज़किरा हमने शुरू किया था कुछ दिन पेशतर, तो उस नाज़किनामे को आगे बढ़ाते हुए हम 1937 की बात कर रहे थे कि जब मीर गुलाम रसूल नाज़की साहब पहली बार रियासत से बाहर किसी मुक्तदर मारूफ मशहूर रिसाले में शाया हुए थे, और वो था जोश मली आबादी का कलीम जो दिल्ली से निकलता था, और उसमें उनकी अंधी लड़की की दुआ नज़्म छिपी थी। लेकिन 1937 तक आते आते जो ज़माना था उसके बारे में बात करते हैं। नाज़की साहब ने ख़ुद लिखा है कि बचपन में जब उन्होंने अपने वालिद से तालीम हासिल की स्कूल जाने के पहले, तो वो लार्जली पर्शियन और अरबिक ज़बानों में और लिटरेचर में तालीम और तरबियत थी। 16 साल की उम्र में उनका तकर्रुर रियासती महकमे तालीम में बहसत मुदर्रिस हुआ एज ए लैंग्वेज टीचर, और उनके अपने बयान के मुताबिक उनकी पहली पोस्टिंग वडीपोरा हंदवारा में हुई, ये प्राइमरी स्कूल था। नाज़की साहब ने इस बात का इजहार किया, कई मौक़ों पे लिखा भी है, कि उर्दू अदब से उर्दू शायरी से उनकी दिलचस्पी उसी वडीपोरा के स्कूल से शुरू हुई। वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी थी उस ज़माने में, और वहाँ कुछ बड़ी अच्छी किताबें थीं जिनमें ख़ास तौर पर उन्होंने तज़किरा मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की आब हयात जो 1880 की तसनीफ़ थी, और 1880 तीन साल के बाद 1883 में शायद उसका दूसरा एडिशन छपा था, और 1883 में ही आब हयात पंजाब के स्कूलों में दाखिल निसाब हुई थी। आब हयात तज़किरा है उर्दू के शोराए किराम का। नाज़की साहब के कहने के मुताबिक उनका उर्दू शायरी और उर्दू ज़बान से इश्क आब हयात की बदौलत हुआ। तो ये 1926 की बात है कि जब वो वडीपोरा के स्कूल में पहुँचे और उन्होंने वहाँ आब हयात और दीगर क्लासिक्स उस ज़माने में जो मौजूद थे वो पढ़े। जो रिकॉर्डेड उनकी गज़ल है पहली जिस पे डेट डला है वो भी 1926 का ही है, यानी वहाँ से उन्होंने आब हयात पढ़ी, दिलचस्पी पैदा हुई और वो शायरी करने लगे। कुछ शेर में उस गज़ल के आपको सुनाता हूँ। बड़ी अजीब बात है कि उस दौर में भी जो 16-17 साल की उम्र का लड़का है, पहली बार उर्दू से आशना हो रहा है ज़बान से और शायरी से, वो क्या लिखता है। दिल तड़पता है तेरे ही इश्क में ए नाज़नीन, दिल तड़पता है तेरे ही इश्क में ए नाज़नीन, गरचे दुनिया में बहुत सारे हैं तुझसे भी हसीन, गरचे दुनिया में
बहुत सारे हैं तुझसे भी हसीन। है तमन्ना देख लूं तुझको किसी दम खुश खसाल, है तमन्ना देख लूं तुझको किसी दम खुश खसाल, हर घड़ी हो मुँह चढ़े माथे पे बल अबरू पे चैन। तन बदन में आग लगती है नहीं, तन बदन में आग सी तन बदन में आग रहती है ना, तन बदन में लग रही है रोज़ शब एक आग सी, तन बदन में लग रही है रोज़ शब एक आग सी। क्या शेर है, जब से मुझसे दूर है उस बुत करुए आतशी, तन बदन में लग रही है रोज़ो शब एक आग सी, जब से मुझसे दूर है उस बुत करुए आतशी। खुश रहो नाजुक, अब ये नाजुक उस दौर में उन्होंने शुरू में तखल्लुस इस्तेमाल किया है। खुश रहो नाजुक की है नज़दीक वसले दिलरुबा, खुश रहो नाजुक की है नज़दीक वसले दिलरुबा, लेख कह दो इन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो ये शायद उनकी पहली रिकॉर्डेड गज़ल है जो कहीं लिखी हुई है और इसमें डेट डली है। उसके बाद ये सिलसिला 1926 से चलता रहा, वो गज़लें लिखते रहे, और 1930 के आते आते 28, 29, 30 के आसपास इन्होंने नज़में लिखना शुरू किया और अच्छी खासी नज़में लिखीं जो लोकली हमदर्द वगैरह जो लोकल अखबारात उस ज़माने में निकलते थे उनमें शाया भी होती रही। इसी तरह एसपी कॉलेज का जो मैगज़ीन प्रताप निकलता था वह भी शाया होती रही, लेकिन कश्मीर से बाहर उनकी कोई तब तक कोई निगारिश शाया नहीं हुई थी 1937 तक। इसमें ये जो 1927 से 1937 का ज़माना है 10 साल का, उनकी एज का 16 से 26 साल तक का जो दौर है इसमें कई अच्छी गज़लें हैं और कई अच्छी नज़में हैं। एक एक और गज़ल के कुछ इस तेरी जुल्फे दुता ने दिल का महशर कर दिया और कमां अबरू ने मेरा हाल अबतर कर दिया, मत खफा हो अर्ज मतलब की तवालत देखकर इंतहाए शौक ने चिट्ठी को दफ्तर कर दिया। इसमें एक शेर है बतौर खास, तेरी फुरकत ने अरे प्यारे हिलाले शाम ईद, तेरी फुरकत ने अरे प्यारे हिलाले शाम ईद, मेरे हक में आफताबे सुबह महशर कर दिया। ये 1930 की गजल है, तेरी फुरकत ने अरे प्यारे हिलाले शाम ईद, मेरे हक में आफताबे सुबह महशर कर दिया। इसी तरह इसमें कई खूबसूरत नज़में हैं, मौजूआती नज़में भी हैं। चूँकि स्कूल में नौकरी करते थे, कोई तब्दील हुआ उसके बारे में उस पर एक उसकी तब्दीली पे अलविदाई नज़्म, इस तरह कई चीज़ें हैं जो इस दौर में लिखी गई। और इसमें एक शेख अब्दुल्ला साहब से भी खिताब है और वो काफ़ी बाद का है, 1990, दैट इज़ 33 ऑलमोस्ट। बहरहाल मैं ख़ास तौर पर इसमें फिर एक चीज़ वहाँ तक आते आते जहाँ हम उस नज़्म की बात कर रहे थे जो पहली छपी, वहाँ तक आते आते ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब देखिए, इस दौर में ये जो पहले 10 साल हैं इसमें नाज़की साहब उर्दू के साथ साथ फ़ारसी में भी शेर कहते रहे
कश्मीरी के साथ इनका उस ज़माने में कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। कश्मीरी की तरफ वो बाद में आए, काफ़ी बाद में। इस दौर में वो फ़ारसी में लिखते थे और कश्मीरी में लिखते थे, या उर्दू में लिखते थे। उर्दू से पहले, उर्दू में आने से भी पहले, यानी 16 साल की उम्र से पहले उन्होंने फ़ारसी में शेर गोई शुरू की थी। हमारे पिछले प्रोग्राम को सुनने वालों में कराची यूनिवर्सिटी की मेरी ख़ास मोहतरमा एक जो वहाँ प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर फ़ायज़े, उन्होंने पुराना मेरा पिछला प्रोग्राम देखा था, उनने मुझे मैसेज किया है और उस कलाम की ख़ास तौर पर दाद दी है जो मैंने नाज़की साहब को उस दिन पढ़ा। उनके लिए और फ़ारसी दान लोगों के लिए मैं एक छोटी सी नज़्म उनकी फ़ारसी की पढ़ना चाहता हूँ। 5-6 अशआर हैं ये, ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि 19-20 साल का लड़का फ़ारसी ज़बान पे किस हद तक दस्तरस रखता है। और उनका जो मेन स्टे बाद में उर्दू शायरी में भी है, उसकी जो फाउंडेशन है बुनियादी तौर पर, वो पर्शियन लिटरेचर से है। उनके बेशतर जो मुहासिन हैं उर्दू शायरी के, वो कहीं ना कहीं फ़ारसी अदब से, फ़ारसी शायरी से मुस्तार हैं। ये कुछ अशआर। यारब असीर गर्दां व कमंद जुल्फ़ यारे, इसका अनवान है। यारब मुयस्सरम कुन दर फसल नव बहारे, यारब मुयस्सरम कुन दर फसल नव बहारे, बालाय कुह सारे नज़दीक आबशारे, यक मतरबे खुश इल्हाम यक साक़िये परी रू, यक मतरबे खुश इल्हाम यक साक़िये परी रू, यक बौदए मोहब्बत यक दौनए अनारे, मकसूद ज़िंदगानी बे ख्याल मन हमीन अस्त, मकसूद ज़िंदगानी बे ख्याल मन हमीन अस्त, दस्ते ब दस्ते यारे बे किनारे जुए बारे। در باغ شال ماری، در باغ شال ماری، در سایه چناری، فارغ ز هر کناری، بالا رخ نگاری، تو مست ناز باشی، مسروب خواب نفشین، من سر نهاده باشم، به سینه نگاری، بر تخت ناز باشی مانند شاه خوبان، من سر فگند باشم با چشم عشق باری، حیف است من سبک سر در عشق تو بمیرم، تو سر گران نشینی با نشه خماری، یارب چگونه یابم لذت زندگانی، نه سلام دوست داری نه پیام گل ازاری، آزادی جهان را نخورم به نیم درنگ، یارب اسیر گردان به کمند زلف یاری، درد دلم فزودی ای درد تو جهان را، آتش زدی به جانم از چشم شعله باری، دل من تپید و آخر خاکسترش نمودند، دل من تپید و آخر خاکسترش نمودند، نه سنگ تربته شد نه مشعل مزاری. تو یہ اس دور کا، جوانی کے زمانے کا، ان کا فارسی کا لہجہ ہے اور فارسی زبان کی پکڑ ہے और फ़ारसी पे पूरा उसके पूरी दस्तरस है।
बदकिस्मती से आगे फ़ारसी का दौर कश्मीर में नहीं रहा, और शायद फ़ारसी दुनिया एक बहुत बड़े शायर से महरूम रही अगर उन्होंने फ़ारसी ज़ुबान फ़ारसी शायरी जारी रखी होती तो काफ़ी कमालात की तवक्को थी। बहरहाल अब हम आते हैं उस नज़्म की तरफ जो 1937 में जोश साहब ने अपने रिसाले में शाये की और जिससे कि नाज़की साहब उर्दू दुनिया में मुतारिफ हुए। अंधी लड़की की दुआ। तूने सूरज को जिया बख्शी है तारों को, तूने सूरज को जिया बख्शी है तारों को जमाल, बारिश अनवार से दुनिया की खेती है निहाल। तूने सूरज को जिया बख्शी है तारों को जमाल, बारिश अनवार से दुनिया की खेती है निहाल। नूर पाशी में कमर है आप ही अपनी मिसाल, मुझको इन चीज़ों की कुछ ख्वाहिश नहीं है जुलजलाल। नूर पाशी में कमर है आप ही अपनी मिसाल, मुझको इन चीज़ों की कुछ ख्वाहिश नहीं है ऐ जुलजलाल। ये तमन्ना है कि अपनी माँ की सूरत देख लूँ, ये तमन्ना है कि अपनी माँ की सूरत देख लूँ। लोग कहते हैं कि रंगों के कई अकसाम हैं, लोग कहते हैं कि रंगों के कई अकसाम हैं, सुर्ख हैं, काले हैं और नीली फाम हैं, और इन रंगों से वाबिस्ता हज़ारों काम हैं। लोग कहते हैं कि रंगों के कई अकसाम हैं, सुर्ख हैं, काले हैं और नीली फाम हैं, और इन रंगों से वाबिस्ता बहुत से काम हैं। मुझको क्या, ये आँख वालों के लिए इनाम है, ये तमन्ना है कि अपनी माँ की सूरत देख लो। सुनती आई हूँ कि खिलते हैं चमन में लाल अजार, रंगबू में जोश सा बरती है नेसा की फुहार, ताजगी सी रूह में बरता है कलियों कलियों का निखार। मैं नहीं कहती ये सब देखूं देख लूं परवरदिगार, ये तमन्ना है कि अपनी माँ की सूरत देख लूं। मेरी आँखों को बसारत की हवस असलाह नहीं, मेरी आँखों को बसारत की हवस असलाह नहीं, बेबसर हूँ मैं मगर इसकी मुझे परवाह नहीं, बेबसर हूँ मैं मगर इसकी मुझे परवाह नहीं। तूने समझा है मैं आजिज़ हूँ मगर ऐसा नहीं, मुझको हरगिज़ आरज़ूए दीदे बीना नहीं, ये तमन्ना है कि अपनी माँ की सूरत देख लो। तो ये चार पांच बंद पे मुश्तमिल ये नज़्म वो पहली नज़्म थी जो नाज़की साहब को उर्दू शेरी दुनिया के साथ मुतारिफ करने में मुआविन साबित हुई, और इस तरह इनका जो तख्लीकी और शेरी सफ़र था वो शुरू हुआ। उसके बाद आगे कई चीज़ें आईं और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। तो जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि हम वो कुलियात तरतीब दे रहे हैं, तो उसी में जो जो मेरे सामने आता जाता है तो उसके बारे में जो भी इंटरेस्टिंग बात आती है तो वो मैं किए जा रहा हूँ। और जो हमारे बुज़ुर्ग ये देख रहे हैं, जो जानकार लोग हैं, मैं तो बड़ा कम माया इस हिसाब से हूँ कि मेरा मुताला नहीं, मुशाहिदा नहीं, बस एक ये है कि जो बुज़ुर्गों के जिन जो ये बिखरे पड़े औराक हैं कहीं से जमा हो। तो लेकिन जो नाज़की साहब की फ़नी उनके जो महासिन हैं कलाम के, उनकी जो सोच है, उसकी बसीरत है, उस पे तो मैं बात करने से कासिर ही हूँ,
लेकिन मैं इस लाइव के ज़रिए तमाम उन हजरात से गुजारिश करता हूँ जो नाज़ किताब को पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, वो अपने अपने तासुरात साथ में देते जाएं, तो उससे एक एनरिच हो सकता है ये। मैं तो सिर्फ़ इसको एक अपने आप को एक मुहर्रिक की तरह जानता हूँ कि मैं एक तहरीक पैदा करूँ और लोग ऐसे बुज़ुर्गों के बारे में बात करें। अभी थोड़ी देर पहले फेसबुक पर ही एक पोस्ट आई थी महजूर साहब के हवाले से कि महजूर साहब की कई किताबें हैं जो अभी तक शायद शाया नहीं हुई हैं, काफ़ी किताबें, और अब अब्दाल साहब जो उनके ग्रैंड सन हैं, अब्दाल महजूर साहब, वो अपने तौर पर उसे छापने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने उसमें ये लिखा था कि महजूर एक ऐसा शायर है, एक पूरा फुल फ्लेज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए था महजूर स्टडीज़ के लिए, महजूर शिनासी के लिए, महजूर के रेलेवेंस के लिए। महजूर एक मल्टी डायमेंशनल पोइट है, वो सिर्फ रोमान का शायर नहीं है, वो इनकलाब का शायर भी है, वो सियासी शायर भी है, समाजी शायर भी है, वो गज़ल का शायर है जिसने गज़ल को नए कश्मीरी गज़ल को नए उफक दिखाए। तो महजूर एक हमारा नेशनल पोइट कहा जाता था एक ज़माने में। बस रुक गया मसला कहीं पर, कोई वो नहीं। अब जब तक अब्दाल महजूर जो इब्ने महजूर के साहिबजादे, जब तक वो ना करें कोई नहीं करेगा। फिर मैंने मिसाल दी थी ज़ीशान फाजिल की। ज़ीशान फाजिल अपने वालिद मोहतरम, अगेन ए वेरी ग्रेट पोइट, फाजिल साहब, फाजिल कश्मीरी, अल्लाह उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए, लेकिन वो फाजिल के बेटे को ही करना है, ज़ीशान को करना है। इसी तरह नाज़की साहब हैं, अब या फारूक साहब उसके बारे में बात करेंगे, मैं बात करूँगा, और हमारे जो भाई साहिबान हैं। तो ये जो मसला है, ये क्यों ऐसे अटकता है? हमारा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो मैंडेट होना चाहिए, वो मैंडेट क्या है? और उन्होंने इन तमाम बुजुर्गों के बारे में कितना काम किया है? या तो कुलियात महजूर तक अवेलेबल नहीं है भाई, शायद छपी अब कुछ साल पहले, पता नहीं। तो ये एक ताहिर महमूद साहब, नाज़की साहब के फ़िक्र फ़न शायराना बसीरत के हम मद्दा भी और मोतरफ भी, शुक्रिया। अब नाज़की साहब पर जो मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम ही कुलियात, एक कश्मीरी कुलियात तो उनकी मैंने छापी 2014 में छपी, और जैसे मैंने पिछले एक आध प्रोग्राम में कहा था कि मैक्सिमम कॉपीज़ उधर ही पड़ी हुई हैं, हत्ता कि लाइब्रेरीज वालों ने भी ये किताब नहीं खरीदी। तो कहने का मतलब वो नहीं, कहने का मतलब ये है कि ये कोई इदारा करता ना, इट्स नॉट फॉर इंडिविजुअल्स एंड द फैमिलीज टू डू दीज थिंग्स, वाई शुड द फैमिलीज डू? एक तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, फैमिली वो भी करे, ये तो अजीब बात हो गई। ये कोई सियासत तो नहीं है कि वो बाप चीफ मिनिस्टर था तो बेटा भी चीफ मिनिस्टर बन गया, अब वो फायदा उठा रहा है, मैं तो नहीं ना उठा रहा हूँ, मैं तो अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ। तो ये एक सोचने का मसला है, ये हमारा एक नेशनल टाइप ऑफ इंडिफरेंस हो गया है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट आवर थिंग्स, यू नो, ना हेरिटेज, ना कल्चर, ना अदब, ना बाकी चीज़ें सब। तो सारे जो आपके इदारे हैं वो किस में लगे हैं? देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका कोई मैंडेट है इन चीज़ों में आने का न जाने। मैं नहीं कहता वो नहीं काम करें, कर रहे हैं जी अपने अपने हिसाब से जो उनके डिफाइंड होंगे, मगर महजूर के लिए एक फुल फ्लजड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और उसी के हवाले से अगर आप महजूर एक महजूर सेंटर या महजूर इदारा कायम करें, उसी की मौरिफत, केयर ऑफ महजूर, आप पोस्ट 48, 47, 40s, पोस्ट 40s जितने भी आपके पोइट्स राइटर्स हैं उन पे काम करिए, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन तो खोलिए। जैसे बाकी मुल्कों में, अब देखिए ईरान की मिसाल, देर आर फाउंडेशन, रुद की फाउंडेशन, बुनियाद रुद की,
फिरदौसी। तो एक एक जो उनके आइकॉनिक पोएट्स हैं उनको उन्होंने, इवन दूर क्या जाए, यहाँ देखिए हिंदुस्तान में एक चेयर होती है उसके इर्द गिर्द सब काम होता है। उधर लाहौर में फिरदौसी चेयर है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और उसके गिर्द इतना काम हुआ पर्शियन लिटरेचर पे वहाँ, क्योंकि उनको नाच नगमे के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं रहता है, फिर उनको प्रोग्राम नहीं करना है जिसमें उनको वो कवाली भी सुनाई नहीं, उनको सिर्फ इल्मी अदबी काम करेंगे, वो तहकीक का काम करेंगे, प्रजर्वेशन का काम करेंगे, कंजर्वेशन का काम करेंगे। तो आई एम स्ट्रांगली पिचिंग फॉर ए सेंटर डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू कश्मीरी पोएट्स। आप महजूर साहब से शुरू कीजिए, मॉडर्न ज़माने की बात कीजिए, नूर मरकज़ नूर हमारा है जी, ठीक काम उन्होंने किया, शेखुल आलम के हज़रत शेखुल आलम के हवाले से काम किया, फाइन, लेकिन वही है ना, उतना ही काम है उनका, उनका मैंडेट वही है कि वो हज़रत शेखुल आलम नंद ऋषि के बारे में काम करेंगे, उनका द ग्रेटेस्ट यू नो पोएट वी हैव एंड सेंट वी हैव। लेकिन ये मॉडर्न जो आपका है, जो दौर है, जो आपका 1930 यही तहरीक आज़ादी जहाँ से 30-31 चली, उसके पैरेलल आपका एक अदबी तहरीक भी चली, उसको सामने रखिए, क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन, हाउ इट कम्स, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से फाइनेंस उसका आता है, इट्स फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द ऑफिशियल्स टू थिंक अबाउट इट। एक इदारा बनी, बड़ा रिच टाइप का इदारा बनी, एक एकेडमी जिसे कहते हैं आप। अब आपने एकेडमी एक बनाई है ना बख्शी साहब ने 1958 में, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस एंड बेकरूस एड, तो वो एंड में फंस जाता है मामला, दे आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन एनी एंड। उनको मौसीकारों को भी बेचारों को उनको भी वो करना होता है, उनको थिएटर वालों को भी पजीराई करनी होती है, उनको मुसव्विरी भी है, उनको आर्ट भी है, उनको कल्चर भी है, तो वहाँ ले दे के क्या रहेगा आपका जो लिटरेचर पर कंट्रीब्यूशन। नेशनल लेवल पर आप देखिए उन्होंने अलग किया, साहित्य अकेडमी सिर्फ साहित्य देखती है, संगीत के लिए अलग अकेडमी है, संगीत अकेडमी, ललित कला अकेडमी। तो सारी जो ये कंपोनेंट्स हैं इनके लिए अलग अलग इदारे होने चाहिए। इस तरह तो ये ऐसे ही है जी, आज मन से सोरी क्यों भरी सोरी एंड जिस पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेशन है जी गुमत आज सोरी मन से। तो बहरहाल ये बीच में बात निकल आई, अदरवाइज मेरा इरादा सिर्फ आपको वो नज़म सुनाने का था जो मैंने सुनाई, और इंशाल्लाह अगली नशस्त में फिर कुछ इंटरेस्टिंग तज़किरा लेकर आपके सामने आएंगे। लेकिन ये जो मैं बात अभी आखिर में कही कि वी नीड स्ट्रक्चर्ड एंड क्या कहते हैं जी कस्टमाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर कंडक्टिंग वर्क। पिछले लोगों ने जो किया सो किया, अच्छा किया बुरा किया, बहुत काम किया, एकेडमी ने भी बहुत काम किया, उनका इशायती प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त एक ज़माने में था, बहुत काम छपा, मगर सवाल तीन तम सो नाइंद कहीं आज अलग अलग इदार गम गुजन सिर्फ मॉडर्न कंटेक्स्टस मन शायरी से अदब अत स्टडी कर प्रिजर्व कर कोशिश कर तीचन शायरन हूँ कलाम वन छपने, देर आर हंड्रेड्स ऑफ पोएट्स वे हैव नॉट बीन पब्लिश्ड, क्योंकि उनके पीछे कोई अब्दाल महजूद नहीं महजूर नहीं है या जीशान नहीं है, तुम शादूर।
یوتام پتہٕ تِم کاغذ کٔمۍ چھِ کھٮ۪وان پَتہٕ ہُہ چھُ گژھان پَتہٕ سلیٖم بیگ نیران وۄنۍ دَپان وۄنۍ ہسا چھِ مینسکرٛپٹ اَسہِ کَرٕنۍ یہِ حظ جمع ہَتہٕ حظ تِم حظ کھیٚیہِ کاغذ کھیٚمۍ تَتہِ حظ چھُنہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ بہٕ حظ ژاس اَکہِ دۄہ أکِس کٲنی منٛز تَتہِ ٲسۍ کوتَر رٮ۪کَن تَل تِم پَتہٕ کٔرِم تٔمِس زارٕ پَتہٕ تٔمۍ دِتِنۍ پیٖرزادَے اوس دوٚپُن نہ حظ بہٕ کَرٕ پانَے کوٚرُن بہرحال سُہ چھُ بیٛاکھ اَکھ اوپُن وُنٛڈ یہِ چھُ پُرانہِ مینسکرٛپٹ سٕنٛدۍ نو بڑی بات ہے سپٹ دیٹ مےٚ بھی چِلا ترا بہت دیر اخبارن منٛز دیُت مےٚ ایڈ تہِ اکہِ زمانہٕ ییٚلہِ مےٚ ؤنۍ تو بہٕ یِمو گرٕ بہٕ کرٕ تتہِ تتھ سکین کٲنسی دیُت نہٕ توجہ بہرحال لیٹ اس ہوپ لیٹ وی ٹرن اے کارنر سم ویر اینڈ وی آر ایبل ٹو ایچیو دیز تھنگس تہٕ اللہ تعالیٰ تھٲیِن سارنٕے پننِس حفاظتس منٛز امانس منٛز خۄش تھٲیِن خۄشحال تھٲیِن امنہٕ سان تھٲوِن عزتہٕ سان تھٲوِن السلام علیکُم.